हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। एक इम्पोर्टेंट अपडेट आप सभी लोगों के लिए। डायरेक्टली तो आपको इम्पैक्ट नहीं कर रहा, लेकिन इनडायरेक्टली भी आपको इम्पैक्ट कर सकता है। सीबीएसई के एग्ज़ाम्स जुलाई में होने वाले थे, वो फिलहाल कैंसिल कर दिए गए हैं। टेंथ क्लास के जो एग्ज़ाम हुए थे वो तो फिलहाल ख़त्म ही कर दिए हैं, और 12th क्लास के भी जो प्रीवियस 3 एग्ज़ाम्स हुए थे उसके बेसिस पर मार्क्स दे दिए जाएंगे, या फिर जो बच्चे चाहते हैं एग्ज़ाम देना उनके लिए दोबारा से कंडक्ट कराए जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो एग्ज़ाम्स होने थे जुलाई में वो कैंसिल कर दिए गए हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, तो यहाँ पे सवाल काफ़ी सारे उठते हैं कि क्या एसएससी एग्ज़ाम्स भी टाइम पे होंगे या नहीं होंगे। देखो, एग्जैक्टली तो कुछ भी कहना अभी मुश्किल ही है। एसएससी ने शेड्यूल तो निकाल ही दिया था, अभी सीपीओ का भी वो निकला था नोटिफिकेशन। बाकी देखो क्या चीज़ें होती हैं, बिल्कुल डिटेल में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अभी कुछ टाइम पहले एम्स का एक पेपर टीसीएस ने कंडक्ट कराया था, जिसमें लगभग 33,000 कैंडिडेट थे, ठीक है। वो हो गया सही से, उसमें पहले 60 सिटीज़ में लगभग एग्ज़ाम कराना था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ में कराया गया, शायद 150 160 ऐसे कुछ सिटीज़ थी उसमें एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था। तो सेंटर्स बढ़ा दिए गए थे, ठीक है, और जितने भी सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं, सैनिटाइजेशन और थर्मल स्कैनर वगैरह सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करके वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। तो अभी एसएससी का कुछ कह नहीं सकते। दिल्ली और मुंबई में हालत तो ख़राब है ही, आप सभी लोगों को पता है कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और बाकी देखो एसएससी एग्ज़ाम्स में क्या होता है, हम सभी लोग वेट भी कर रहे हैं अभी रिजल्ट का। टीयर वन का 30 तारीख से पहले एसएससी ने अपने नोटिस में कहा था कि इसी महीने 30 तारीख से पहले आएगा, तो कभी भी आ सकता है। अब जब आएगा तभी पता चलेगा, बाकी जब आएगा तो मैं आपको अपडेट दे ही दूंगा, तो आपको बार बार साइट चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी सबसे पहले आपको बता दूंगा मैं, तो वो टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट मिल जाएगा या फिर वीडियो आ जाएगी, ठीक है, जो भी होगा, ठीक है, आपको आते ही मैं अपडेट दे दूंगा। तो बार बार चेक करके अपना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरा कहीं ना कहीं से, जैसे ही रिजल्ट टीयर वन का आएगा। यूएफएम कमेटी का डिसीजन भी इस महीने 30 तारीख से पहले आना था, देखते हैं क्या होता है, आता है डिसीजन या नहीं आता। तो बस यही छोटा सा अपडेट था कि सिचुएशन ऐसी ही है, मतलब एग्जैक्टली कुछ भी कहना इस टाइम पे ठीक नहीं होगा। कैलेंडर तो आ रहे हैं एग्ज़ाम्स के, लेकिन एग्ज़ाम टाइम पे होंगे या नहीं होंगे, सारी चीज़ें बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। बाकी थोड़ा मोटिवेशन तो डाउन होता ही है इन चीज़ों को देख के, लेकिन यही है कि आप कुछ छोड़ भी नहीं सकते, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही कम मिलती हैं, जो वैकेंसीज निकल चुकी हैं वो तो एग्ज़ाम्स होंगे। सीपीओ में आपने देखा ही है, वैसे भी इस बार काफ़ी कम वैकेंसीज रिपोर्ट की गई हैं, 1564 ही कुछ वैकेंसीज थी। बाकी ये तो है कि एग्ज़ाम्स तो सारे कभी ना कभी होंगे ही, और वैकेंसीज गवर्नमेंट जॉब की कभी ख़त्म होती नहीं, लेकिन फ़िलहाल के लिए यही है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि CHSL और जो बाकी एग्ज़ाम्स हैं वो भी अब डिले हो सकते हैं, ये लग रहा है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के CBSE के एग्ज़ाम के जजमेंट को देखते हुए, कि क्या पता वो डिले हो जाएं या फिर कुछ एग्जैक्टली कहा नहीं जा सकता एज ऑफ नाउ। बाकी धीरे धीरे जो भी होगा पता चलेगा, बस जो तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी करते रहो, क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन तो यहाँ पे किसी के पास है ही नहीं, ठीक है। जॉब तो सबको ही चाहिए, और गवर्नमेंट सेक्टर ही ऐसा है जहाँ पे सिक्योरिटी है इस टाइम पे जॉब की। बाकी सेक्टर्स में तो प्राइवेट सेक्टर का कभी कुछ कह ही नहीं सकते कि सिक्योरिटी है या नहीं जॉब की। तो सारे सेक्टर्स बुरी तरह हिट हुए हैं कोरोना वायरस से, और सिर्फ इतना ही। बाकी UFM से रिलेटेड एक कॉपी वायरल हो रही है आजकल, एक बच्चे ने पोल्यूशन कंट्रोल पे ऐसे लिख दिया था CGL टीयर 3 में, और इन स्टेड ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल, ठीक है। तो मैंने आपको एक बार पहले भी इन्फॉर्म किया था इस बारे में कि हाँ इस तरह की चीज़ें हुई हैं, और अब कहीं से किसी और एस्पिरेंट की कॉपी वायरल हो रही है। मतलब मेरे पास जो कॉपी थी वो अलग थी, और यहाँ पे अब जो कॉपी वायरल की जा रही है वो किसी और एस्पिरेंट की है, वो मेरी जो मेरे पास कॉपी आई थी उससे अलग है। तो मतलब हो सकता है देयर मे बी केसेस की बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हों जिसका जिसमें ये चीज़ें हुई हों, जिन्होंने पॉल्यूशन कंट्रोल पर लिख दिया हो पॉपुलेशन कंट्रोल की जगह CHSL टीयर 2 में, सॉरी मैं CGL टीयर 3 बोल गया गलती से, CHSL टीयर 2 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एग्जाम की, जहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल से रिलेटेड ऐसे कटौती आया था। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो टीयर जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है SSC का, उस पर तो मेरा भरोसा पहले भी नहीं था, और अब तो बिल्कुल ही हटता जा रहा है कि किस तरह से चीज़ें चलती हैं। बट जो भी है, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिए। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो, स्वस्थ रहो, घर से बाहर मत निकलो, कोरोना वायरस फैल रहा है, ठीक है, उसे जिम्मेदारी है आपकी भी रोकें। बाकी आ ही गया घर में तो कोई कुछ कर नहीं सकता, लेकिन कोशिश पूरी करनी है कि इसे फैलने से तो रोकना ही है अपने एंड पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और आपके साथ साथ आपके परिवार की भी जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। तो कोशिश करो कम से कम बाहर निकलो, कम से कम वायरस स्प्रेड हो, और सभी लोग स्वस्थ रहो, अपनी देख अपना देखभाल
अपना अपना ध्यान रखो, और तैयारी कर रहे हो तो तैयारी अच्छे से करते रहो, जो भी करो मन लगा के करो। तो फिलहाल बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।